जाओ थाने पे जाओ, थाने पे जाओ, अरे जो भी करना है थाने पे जाओ, चप्पल ले जाओ, चप्पल ले जाओ, चप्पल ले जाओ, चलो आ रहा है, चलो आ रहा है, चलो आ रहा है। हमारे अम्मा आए नहीं, बाबू को पहले दे दे देंगे, सर मौसी लगे, मौसी लगे बाबू दे देंगे, ओकरे बाद कोई इधर ही काम करेंगे। ये मालती मेरी बेटी है, अपने ससुराल में आई थी यहाँ पर, कबल तभी परसों लेकर के विष्णु चौहान आया घर से, और कल हमारी बात हुई है, कोई भी बात नहीं था। ये बोला कि घर के अंदर रहेंगी, मीडिया वाले ना आने पाए, हाँ ना देखने पाए, ना वो कोई खबर छापने पाए। ये ऐसी दोहरी चाल चल करके हमारी बेटी का हत्या कर दिया रात में। आप सब देख रहे हैं कि ये दुनिया यहाँ जुटी हुई है, और सब ये विष्णु की ही चाल है। हमारा मकान उमरी कला है, हमारा कोतवाली खलीलाबाद थाना यही है। और बेटी शादी कहाँ पे हुई थी आपकी? ये काली जगदीशपुर मोहरैया में किए थे हम शादी इसकी। जियो में थी ये, किसी लड़की के चक्कर में है, कोई राधिका नाम की लड़की है, उसके चक्कर में इसको रास्ते से हटाने के चक्कर में ये मारा है इसे। कहीं ना कहीं क्या लगता है आपको? ये मेरी बेटी थी और हमारी बेटी का ये हत्या किए है। ये इतनी बहादुर बेटी थी कि ये खुद नहीं मर सकती है, लड़ सकती है लेकिन मर नहीं सकती थी, इसे मारा गया है। हमें विष्णु फोन करके खुद बताया है कि कब थे वो मालती फांसी लगा के मर गई है। मैं कहा वो फांसी लगा के मरी है, उसे फांसी लगा के मारा गया है। आपको शक है किसी के ऊपर? हमें विष्णु के ऊपर शक है, विष्णु ही ये सारा काम किया है। ये थाना मोहली के अंतर्गत ग्राम काली जगदीशपुर है, जिसमें मालती चौहान, जिनकी शादी विष्णु राज से करीब 5 वर्ष पूर्व हुई थी, सुबह इनकी मौत इनके घर में ही हो गई है, जिसपे उनके पिता तहरीर थाने में दे रहे हैं, जिसमें सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर विवेचना की जाएगी पूरे प्रकरण में। सर प्रथम दृष्टिया क्या लगता है? सर प्रथम दृष्टिया पति पत्नी के बीच विवाद पाया गया है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद स्थिति क्लियर हो पाएगी कैसे उसकी हत्या की गई है महिला की। मौके पर फोरेंसिक टीम भी आई थी, उसने भी साक्ष्य एकत्रित किए हैं, साक्ष्यों के आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। सर सोशल मीडिया पे चर्चित रही इस तरीके से, और इस पे सर क्या कहते हैं सर? हाँ, यूट्यूब पे बताया जा रहा है कि यूट्यूबर थी और काफी सक्रिय रहती थी, तो इस मामले को बहुत गंभीरता से देखा जाएगा।